चलो स्टार्ट करें। क्या खत्म करना था आज हम लोगों को? सेटलमेंट एंड मीडिएशन कंसीलिएशन, राइट? सेटलमेंट, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। नोट्स मिल गए? नोट्स मिल गए। लास्ट लेक्चर में क्या खत्म किया था? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग रीड कर लिया सबने? नहीं, सेविका हो गया था। थैंक यू। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने उस दिन सेबी पे ही खत्म किया था। ठीक है, क्या देखा था सेबी के बारे में हम लोगों ने? एक बार कंपाउंडिंग रिवाइज करना है क्या? रिवाइज करना है। चलो, कंपाउंडिंग के लिए तीन एक्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने। सिर्फ बेसिक रिवाइज कर ले रहे हैं। पहला वाला क्या था? कंपनीज एक्ट। दूसरा, तीसरा सेबी। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 440, करेक्ट। फेमा, सेबी में कोई सेक्शन था? अथॉरिटीज, आरडी एंड एनसीएलटी। आरडी के पास कब केस जाएगा? अप टू 25 लाख, उसके ऊपर एनसीएलटी। ठीक है, फेमा में कौन कौन था? आरबीआई एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। यहाँ पे सैट एंड कोर्ट्स। ठीक है, आरबीआई एंड डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की लिमिट्स अभी हम लोग को देखनी है, वो हम लोग खत्म करेंगे। आज भी एक दो चीज़ें हम लोग स्किप करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सेक्शंस याद हैं, अथॉरिटीज याद हैं, बस। ठीक है, ख़त्म किया था हम लोगों ने सेबी पे। ठीक है, सेबी में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई सेबी में सेटलमेंट के लिए कंपाउंडिंग तो है ही है, और एक नया वर्ड सुना था। क्या था वो वर्ड? कंसेंट ऑर्डर, या फिर सेटलमेंट ऑर्डर। क्या था इसका मतलब? कंसेंट ऑर्डर का मतलब क्या था? सेबी के पास एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन फाइल होगी, सेटलमेंट टर्म्स हम देंगे, सेटलमेंट टर्म्स को बोर्ड, अथॉरिटीज, कमिटीज कंसिडर करके फिर एक ऑर्डर पास करते हैं, विच इज कॉल्ड एज कंसेंट ऑर्डर। तो आज पहला हाफ हम लोगों को सिर्फ कंसेंट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन नोट्स में पहले है, लेकिन हम लोग सेटलमेंट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग सेटलमेंट पे खत्म किए थे। ठीक है, सो वो कैच करना ईजी रहेगा। ठीक, सेटलमेंट से स्टार्ट करेंगे, पूरा लेक्चर हम लोग हाफ पार्ट इसको ही देंगे। ठीक है, कहाँ कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पूरा ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, ऑर्डर पास होने के बाद क्या प्रोसीजर्स है, क्या ऑब्लिगेशन है, वो सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सब अपने नोट्स बंद कर दो, बुक्स बंद कर दो, एंड सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, कंसेंट ऑर्डर होता क्या है वो हम लोगों ने देख लिया था, है ना? कंसेंट ऑर्डर या सेटलमेंट ऑर्डर क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है कि कैसे इसकी एप्लीकेशन फाइल होती है, एंड कैसे ये एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होती है। ठीक है, सो उस दिन हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशन हम लोग अपनी मर्जी से भी फाइल कर सकते हैं, है ना? या एप्लीकेशन हमको बोर्ड बोल सकता है कि भाई कंप्लेन फाइल करने से अच्छा है यू गो फॉर सेटलमेंट, है ना? दो चीजें देखी थी। तो सेबी के अंदर दो सेटलमेंट मैकेनिज्म है, कंपाउंडिंग और कंसेंट ऑर्डर। कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कब फाइल करते थे? करेक्ट, सेबी के पास हम लोग कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कब फाइल करते थे? जब सेबी ने कंप्लेन फाइल कर दी है। जब सेबी ने कंप्लेन फाइल कर दी है, अब इस बीच में हम लोग कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि भाई हमको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं अच्छी लग रही, फालतू का टाइम बढ़ना है, इससे बेटर है हम कंपाउंडिंग से के थ्रू सेटल कर ले रहे हैं, है ना? दिस वाज वन थिंग। अगर सेबी ने कंप्लेन फाइल नहीं करी है तब क्या था? तब आता था कंसेंट ऑर्डर, तो वो कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब प्रोसीजर देखो क्या होता है। प्लीज़ कोई भी अभी नोट करने मत बैठना, ये चार्ट एक बार समझ में आ गया, पूरे पॉइंटर्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बोर्ड, बोर्ड का मतलब समझता है सबको क्या? सेबी। ठीक है, या तो हम अपने आप से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं,
या हमें बोर्ड बोलेगा एप्लीकेशन फाइल करने की, ठीक है। तो अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हम अपने आप से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड हमको बोलेगा कि आप एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है। सो बोर्ड को किसी बंदे के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करनी है, ठीक है। उससे पहले बोर्ड ने इसको नोटिस भेजा, बोर्ड ने एप्लीकेंट को नोटिस भेजा कि भाई इससे बेटर है कि हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, उससे बेटर है कि सेटलमेंट के थ्रू सलटा दो इस चीज़ को, है ना। अननेसेसरीली मैटर खिंचेगा, कुछ भी डिसीजन इतनी जल्दी आएगा नहीं, उससे बेटर है एटलीस्ट सेटलमेंट के थ्रू खिसका दो, ठीक है। सो बोर्ड ने अपना अटेम्प्ट करा, नोटिस भेज दिया कि सेटलमेंट ऐसे ऐसे हो सकता है, आप सेटलमेंट के थ्रू इस चीज़ को सलटा दो, ठीक है। नोटिस भेज दिया, ये समझ में आया। ये नोटिस से 60 डेज में, ठीक है, जिस दिन से नोटिस आया उस दिन से 60 दिन में हमको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, ठीक है। या तो हम एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, नहीं करते हैं तो फिर तो कंप्लेन फाइल होनी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसे चलनी थी वैसे चलेगी, ठीक है। सो नोटिस आया, नोटिस से 60 डेज में हम लोगों को एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या क्या बताना है, जब हम लोग सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है, हमको एक एक चीज़ वहीं पे डिस्क्लोज कर देनी है, एक एक चीज़ डिस्क्लोज कर देनी है, मतलब जितने भी फैक्ट्स, जितने भी डिफॉल्ट्स, जितने भी सेक्शंस हमने वायलेट किए हैं या और कुछ भी हमने किया है जो बाद में सामने आ सकता है, आप इनिशियली सब कुछ डिस्क्लोज कर दोगे एप्लीकेशन फाइल करते टाइम पे। इफ़ एट ऑल आप कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हो, पूरा सेटलमेंट प्रोसीडिंग खत्म हो गई, ऑर्डर आ गया, बाद में अगर बोर्ड को पता चला कि ये एक स्पेसिफिक फैक्ट है आपने डिस्क्लोज नहीं किया था, वो ऑर्डर वहीं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जैसे चलनी थी वो इनिशियली वैसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो एप्लीकेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप सेटलमेंट टर्म्स प्रपोज करोगे, ठीक है। सेटलमेंट टर्म्स का मतलब, सेटलमेंट टर्म्स का मतलब, थोड़ा जोर से बोलो, सेटलमेंट टर्म्स मतलब कि अगर हमने कुछ गलती करी है तो उसके बदले हम ऐसा ऐसा कर देंगे, क्या क्या हो सकता है सेटलमेंट टर्म्स में, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो। अगर आप किसी के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या प्रपोज करोगे सबसे पहली चीज, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि ठीक है हमने गलती करी थी, इसके बदले में आप हमसे इतना इतना पैसा ले लो, ठीक है। तो जब हम पैसे की बात कर रहे हैं, दैट इज मॉनेटरी टर्म्स, ये समझ में आया सबको, ठीक है। सेटलमेंट टर्म्स, सेटलमेंट टर्म्स जब हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, तो सबसे पहली चीज़ तो हम इतना बोलेंगे कि हम आपको इतनी इतनी पेनल्टी दे दे रहे हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं, दैट इज मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। पैसा छोड़ के हम और क्या करने को रेडी हैं, दोज आर नॉन मॉनेटरी टर्म्स। जैसे कि हमने बोला आज आप हमसे 20 लाख रुपये फाइन ले लो, इसके बाद अगले 6 महीने तक हम इन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, और हम अपनी कंपनी में ये प्रोसीजर्स और फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो जो पैसा हटा के जो हमने और कंडीशंस मेंशन करी, दोज आर नॉन मॉनेटरी टर्म्स। तो सेटलमेंट टर्म्स में दो टर्म्स होंगी, मॉनेटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। तो हम प्रपोज करेंगे कि इसके बदले में इतनी इतनी पेनल्टी हो, इतना इतना हो सकता है, एंड हम ऐसा करेंगे कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना बंद कर देंगे, या ये रेगुलेशंस और इम्प्लॉय कर देंगे, या अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देंगे कि ऐसी गलती वापस नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जितनी भी पैसे के अलावे जो भी टर्म्स होंगी, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी टर्म्स। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। सेबी ने नोटिस भेजा, नोटिस से कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी है, 60 डेज, नहीं कर पाए तो जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेटलमेंट की टर्म्स वहीं कैंसिल, जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने एप्लीकेशन फाइल करी, एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, डिस्क्लोजर्स एंड सेटलमेंट टर्म्स। सेटलमेंट टर्म्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसा, नॉन मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसा छोड़ के आप और जो करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब इसको अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज ध्यान से सुनना, सेबी के अंदर 2-3 कमिटीज हैं, किसी ने सुना है उन कमिटीज का नाम कभी? सेबी के अंदर 2-3 कमिटीज हैं, उन कमिटीज का नाम सुना है किसी ने कभी? इंटरनल कमिटी, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, ये सब नाम सुना है? नहीं। तो आज सुनो, सबसे पहले आती है इंटरनल कमेटी, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना है। इंटरनल कमेटी के ऊपर आती है हाई पावर्ड
एडवाइजरी कमिटी, ठीक है, इसके ऊपर आते हैं पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स, ठीक है, ये सीक्वेंस समझ में आया। सबसे पहले आती है इंटरनल कमिटी, इंटरनल कमिटी के ऊपर इज हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी के ऊपर इज पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स, मतलब इंटरनल कमिटी से एप्लीकेशन जाएगी हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी के पास, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी से एप्लीकेशन जाएगी पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स के पास, एंड फाइनली पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स ऑर्डर पास करता है। इतना लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। एक कमिटी है इंटरनल कमिटी, नेक्स्ट इज हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, थर्ड इज पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। कि पहली कमिटी इंटरनल कमिटी, नेक्स्ट हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, थर्ड पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। ये समझ में आ गया। अब वापस आ जाऊं, सेबी के पास एप्लीकेशन आ गई, यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है। सेबी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है इंटरनल कमिटी को, ठीक है। सीक्वेंस यही है, इंटरनल कमिटी, इंटरनल से हाई पावर्ड, हाई पावर्ड से होल टाइम मेंबर्स, ठीक है। सो सेबी सबसे पहले एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा इंटरनल कमिटी को, ठीक है। एप्लीकेशन इंटरनल कमिटी के पास आई, अब इंटरनल कमिटी तीन चीजें करेगी। सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी, सब कुछ बराबर है या नहीं, ठीक है, फैक्ट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज हुए या नहीं, सब देखेगी। उसके बाद इफ एट ऑल उसे लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन लग सकती है, ठीक है, तो उसके पास पावर है कि वो एप्लीकेंट को बोलेगा कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। सो दे हैव द पावर टू कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो सबसे पहले तो वो एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसको लगता है तो वो और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। सब मांगने के बाद सेटलमेंट टर्म्स वगैरह जो भी आए थे उन सबको देखेगा, ठीक है। इफ एट ऑल इंटरनल कमिटी इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, वो सेटलमेंट टर्म्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एप्लीकेंट को बोलेगी कि भाई अपने टर्म्स को रिवाइज करो, ठीक है। आपकी ये जो टर्म्स आपने मेंशन किए, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आप इनको रिवाइज करो, ठीक है। अब एप्लीकेंट को जिस दिन इन्होंने इन्फॉर्म किया उससे 15 दिन में वापस रिवाइज करके देना है सेटलमेंट टर्म्स। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। सेबी के पास एप्लीकेशन आ गई थी, सेबी ने किसको फॉरवर्ड करी, इंटरनल कमिटी, ठीक है। सब चीज प्रैक्टिकली सोच के पढ़ना, इंटरनल कमिटी सबसे पहली चीज क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को देखेगी तो एग्जामिन करा, ठीक है। एग्जामिन करने के बाद कमिटी को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी और खटक रही है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो इट हैज़ द पावर टू कॉल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सब देखने के बाद दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी सेटलमेंट टर्म्स, ठीक है। सो वो बोल सकते हैं उनको कि ये सेटलमेंट टर्म्स आप रिवाइज करो और वापस हमें दो, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इंटरनल कमिटी से एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट जाएगी वो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। सेबी से, सेबी ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी इंटरनल कमिटी के पास, इंटरनल कमिटी ने अपना पूरा काम कर दिया और एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी के पास, ठीक है। अब एडवाइजरी कमिटी ये वाली क्या करेगी, अब ये भी वापस एग्जामिन करेगी और देखेगी कि सेटलमेंट टर्म्स जो प्रपोज किए गए हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। इफ एट ऑल ये कमिटी भी सेटलमेंट टर्म से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये वापस इंटरनल कमिटी को बोलेगी, इंटरनल कमिटी फिर एप्लीकेंट को बोलेगा कि आप अपनी टर्म्स रिवाइज करो, ठीक है। फिर एप्लीकेंट सेबी को एप्लीकेशन देगा, फिर इंटरनल कमिटी के पास आएगी, फिर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी के पास आएगी, ठीक है। अभी भी हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी सेटिस्फाइड नहीं है, वो फिर इंटरनल कमिटी को बोलेगी, इंटरनल कमिटी फिर एप्लीकेंट को बोलेगा, एप्लीकेंट फिर सेबी के पास एप्लीकेशन, सेबी इंटरनल कमिटी, इंटरनल कमिटी से हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी। समझ में आ रहा है ये पैटर्न सबको, ठीक है। सेबी ने नोटिस भेजा था, नोटिस से कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी है, 60 डेज, 60 डेज में नहीं करी तो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होनी थी वो वापस स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या मेंशन करेंगे, सारे फैक्ट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज करने हैं एंड सेटलमेंट टर्म्स प्रपोज करेंगे। सेबी के पास एप्लीकेशन आ गई, अब एप्लीकेशन सेबी फॉरवर्ड करेगा किसको, इंटरनल कमिटी। इंटरनल कमिटी तीन चीजें करेगी, पहला एग्जामिन, सेकेंड कॉल फॉर इंफॉर्मेशन इफ एट ऑल उसको लगता है तो, तीसरा रिविजन ऑफ टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब इंटरनल कमिटी जब सेटिस्फाइड है तब
हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी वापस सेटलमेंट टर्म्स देखेगी, उसको लगता है कि इस पर रिविजन की वापस ज़रूरत है, वापस इंटरनल कमेटी, इंटरनल कमेटी से एप्लीकेंट, वापस सेम प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब हाई पावर एडवाइजरी कमेटी से कहाँ जाएगा? पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। ठीक है, हाई पावर एडवाइजरी कमेटी से कहाँ गया? पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स वापस एप्लीकेशन जो आई है उसको एग्जामिन करेंगे, इंटरनल कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए उनको एग्जामिन करेंगे, सेटलमेंट टर्म्स एग्जामिन करेंगे, उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, क्या ऑप्शंस है पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स के पास? या तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे या उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो इनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। इफ एट ऑल उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है, रिजेक्ट करना मतलब कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद सेटलमेंट टर्म्स, अब क्या होगा? वापस किसके पास जाएगा? वापस किसके पास जाएगा? यहाँ पे वापस एप्लीकेंट से स्टार्ट होगा, एप्लीकेंट से बी से आईसी, आईसी से वापस हाई पावर एडवाइजरी कमेटी, उससे वापस पैनल ऑफ मेंबर्स। समझ में आ रहा? पूरा प्रोसीजर वापस स्टार्ट हो जाता है, सेटलमेंट टर्म्स वापस रिवाइज करनी है। ठीक है, एप्लीकेंट कभी भी डायरेक्टली होल टाइम मेंबर्स के पास या डायरेक्टली इंटरनल कमेटी के पास नहीं जा सकता, वो बोर्ड के पास एप्लीकेशन फाइल करता है, बोर्ड अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड कर देता है। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था कि अगर इसने रिजेक्ट कर दिया, अगर इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो ये ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, सेटलमेंट ऑर्डर पास कर देगा। अब सेटलमेंट ऑर्डर में क्या क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है कि सेटलमेंट ऑर्डर ये जो पास होगा उसमें क्या क्या होगा? करेक्ट, सेटलमेंट टर्म्स जो भी थी सबसे पहले तो वो होगी। ठीक है, केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स, इश्यूज, जो भी डिफॉल्ट्स हुए थे सब कुछ ऑर्डर में समराइज्ड वर्जन में मेंशन्ड होगा। ठीक है, ऑर्डर में वो सब कुछ स्पेसिफाई करेंगे। सो फैक्ट्स, डिफॉल्ट्स, इश्यूज सब ऑर्डर में स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, सेटलमेंट टर्म्स होंगी ऑब्वियसली, सेकंड सारे फैक्ट्स इश्यूज सब स्पेसिफाइड होंगे। नेक्स्ट चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट का ऑर्डर किसी भी कोर्ट में एविडेंस की तरह एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, आप उसको जाके किसी भी कोर्ट में सेटलमेंट का ऑर्डर ले जाके नहीं बोल सकते कि देखो अथॉरिटी ने ऐसा बोला था। ठीक है, चाहे वो मीडिएशन या कंसिलिएशन हो, चाहे वो कंपाउंडिंग के ऑर्डर्स हो, चाहे वो यहाँ पे सेटलमेंट के ऑर्डर्स हो, सेटलमेंट कर रहे हैं हम जब भी जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स आएंगे दे आर नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये पॉइंट सबको याद रहेगा। ठीक है, पूरा सेटलमेंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से, कंपाउंडिंग, सेटलमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। तीनों में जब भी जो भी ऑर्डर आएगा वो याद रखना दैट इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट। सो एग्जाम में अगर आपसे सेटलमेंट ऑर्डर के बारे में पूछते हैं तो सेटलमेंट ऑर्डर डिफाइन कर लोगे आप? सेटलमेंट ऑर्डर में क्या होना चाहिए? सारे फैक्ट्स, डिफॉल्ट्स, इश्यूज, पूरी केस की समरी सब होना चाहिए। नेक्स्ट, सेटलमेंट टर्म्स जो भी अग्रीड हैं वो होना चाहिए। तीसरा, सेटलमेंट ऑर्डर इज नेवर एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, अब ऑर्डर पास हो गया। ठीक है, अभी पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स को पता चलता है कि यहाँ पे फैक्ट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज करे ही नहीं गए थे, पूरे फैक्ट्स यहाँ बताए ही नहीं गए थे। अब क्या ये ऑर्डर वैलिड रहेगा? क्या होगा? ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा वहीं पे एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ये कभी भी अथॉरिटी कर सकती है, ऐसा करने की उनके पास पूरी पावर है। ठीक है, सो सेटलमेंट ऑर्डर से रिलेटेड हम लोगों को चार पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लियर है? अब वापस आ जाओ चार्ट पे। ऑर्डर आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ऑर्डर आया, ऑर्डर आने से 7 दिन में,
7 days, ठीक है? 7 days कब से? जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से 7 days के अंदर हमको एक डिमांड नोटिस इशू करना है. किसको करेंगे हम डिमांड नोटिस इशू? एप्लीकेंट, ठीक है? डिमांड नोटिस मतलब करेक्ट, हम कुछ डिमांड करना है हमें उससे, तो इसलिए हम उनको डिमांड नोटिस इशू कर रहे हैं. डिमांड नोटिस क्या? कि सेटलमेंट टर्म्स में आपने जो पैसा देने बोला था वो पैसा हमें दे दो, ठीक है? डिमांड नोटिस कितने दिन में इशू करना है? 7 days. कब से? जिस दिन से ऑर्डर आया उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेंट को नोटिस भेज दोगे, ठीक है? एप्लीकेंट इस नोटिस के मिलने के 15 days में सेटलमेंट अमाउंट सबमिट कर देगा, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो पैनल के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो रिजेक्ट कर लो या एक्सेप्ट कर दो. रिजेक्ट करना मतलब सेटलमेंट टर्म्स से वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेटलमेंट टर्म्स को रिवाइज करो. रिवाइज करो मतलब पूरा प्रोसीजर वापस स्क्रैच से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा वापस पूरी, उसके बाद सेबी से कहाँ जाएगी एप्लीकेशन? इंटरनल कमेटी, इंटरनल कमेटी से हाई पावर एडवाइजरी कमेटी, उसके बाद पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स. इफ एट ऑल वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सेटलमेंट ऑर्डर पास कर देगा. सेटलमेंट ऑर्डर को और हम लोग क्या बोलते हैं? सेटलमेंट ऑर्डर को और क्या बोलते हैं? कंसेंट ऑर्डर, ठीक है? सेटलमेंट ऑर्डर अगर पास हो गया, ठीक है, इस ऑर्डर के पास होने से 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, ठीक है? डिमांड नोटिस इशू करेगा. ये डिमांड नोटिस इशू हुआ जिस दिन नोटिस मिला उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा दे देना है. सेटलमेंट का जो पैसा था वो आपको दे देना है. समझ में आ गया सबको? ठीक है, वापस एक बार सुनेंगे. ठीक, सेबी ने नोटिस दिया, क्या काय के लिए नोटिस देना था? सेबी नोटिस क्यों इशू कर रहा था? कि भाई आप एक काम करो, कंसेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दो, सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दो, कोई मतलब नहीं है ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स में अननेसेसरीली खींचने का. ठीक, एप्लीकेंट के पास क्या ऑप्शन है? 60 days के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा. एप्लीकेशन में वो क्या क्या स्पेसिफाई करेगा? सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करेगा एंड सेटलमेंट टर्म्स. सेटलमेंट टर्म्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? मॉनेटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स. नॉन मॉनेटरी टर्म्स मतलब, नॉन मॉनेटरी टर्म्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स में पैसा देना पड़ता है. पैसा छोड़ के हम और जो भी देने के लिए रेडी हैं दैट इज नॉन मॉनेटरी टर्म्स. पेपर में ऐसे नहीं लिखते अदर देन मॉनेटरी टर्म्स. उसके लिए यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है, चलो एप्लीकेशन फाइल हो गई. किसके पास फाइल होगी? बोर्ड के पास. बोर्ड से कहाँ जाएगी? किसी को बोर्ड में कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, प्लीज़ याद रखना. कोई ऐसे मत लिख के आ जाना पेपर में, ठीक है? ठीक है, ये सेबी के पास एप्लीकेशन फाइल हो गई. अब इंटरनल कमेटी के पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी. रुक जाओ, उससे पहले सीक्वेंस क्या है? इंटरनल कमेटी, उसके ऊपर हाई पावर एडवाइजरी कमेटी, फिर पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स. याद रहेगा सबको, ठीक है? इंटरनल कमेटी के पास एप्लीकेशन आ गई. इंटरनल कमेटी क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन मांगेगा, फिर सेटलमेंट टर्म्स सेटिस्फाइड नहीं है तो उन सेटलमेंट टर्म्स का रिवीजन मांगेगा. इनको वापस चेंज करके वापस भेजो. वापस कैसे आएगी? सेबी के पास, सेबी से इंटरनल कमेटी. अब इंटरनल कमेटी क्या करेगा? एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा. कहाँ? हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी. हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी वापस सेम चीज है, ठीक है? अगर रिवीजन चाहिए तो रिवाइज करवा के फॉरवर्ड करेगा. कहाँ? पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स. अब पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स क्या करेगा? एक्सेप्ट या रिजेक्ट. रिजेक्ट कर दिया तो वापस पूरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कि भाई रिवीजन टर्म्स रिवाइज होने हैं. वापस से भी आईसी, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, पैनल ऑफ मेंबर्स. ठीक, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ऑर्डर पास कर दिया. काय का ऑर्डर? सेटलमेंट ऑर्डर. सेटलमेंट ऑर्डर के पास होने के बाद 7 दिन के अंदर डिमांड नोटिस. डिमांड नोटिस एक बार एप्लीकेंट के पास गया, इससे 15 days में आपको सेटलमेंट का अमाउंट डिपॉजिट करना है. ठीक है, दिस इज पूरा सेटलमेंट का प्रोसीजर. ये पूरा 8 पेज का प्रोसीजर है जो आपको एक चार्ट से याद रखना है. ठीक है, अब हम लोग वापस नोट्स देखेंगे. इससे पहले ये कॉपी कर लो. दिख रहा है ना क्लियरली?
एम्पावर्ड एडवाइजरी कमेटी तो कॉपी करो, फिर पैनल ऑफ फुल टाइम मेंबर्स खोल देंगे. एकदम नीट एंड क्लीन बनाना ये चार्ट, बिकॉज ये चार्ट क्लियर हो गया तो आपके वो 8 पेज ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. राइटिंग समझ में नहीं आया तो पूछ लेना. डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स ट्राई करो कि बिना देखे खुद से बना लो, उसके बाद क्रॉस चेक कर लेना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी. हो गया. आज प्लीज़ घर जाते ही 7 सेटलमेंट रीड करके ख़त्म कर देना. सो आपको जो भी बीच बीच में जो कम्युनिकेशन जो भी गैप होगा इस चार्ट के वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज बाद में भूल जाओगे. एकदम आलस नहीं करना प्लीज़. हाँ, पैनल ऑफ होल्ड टाइम मेंबर्स. नहीं, हाई पावर एडवाइजरी कमेटी इंटरनल कमेटी ने जो भेजा है उसको एग्जामिन करती है. हाँ हाँ, और जो भी उसको टर्म्स रिवाइज करनी हो रिवाइज बस. हो गया सबका? हो गया महिती डन? वेयर?
सेटलमेंट अमाउंट। सेटलमेंट टर्म्स, फैक्ट्स, सारी डिफॉल्ट्स वगैरह जो भी है वो डिस्क्लोज करना है, प्लस सेटलमेंट ऑर्डर इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। चलो ये था हमारा सेटलमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अब इसको छोटा करने के लिए आया समरी सेटलमेंट प्रोसीजर, ठीक है। समरी सेटलमेंट प्रोसीजर मतलब ये प्रोसीजर देख लिया हम लोगों ने कितना वास्ता भाई, इससे फिर इससे फिर इससे फिर इसमें इसमें फिर उसमें भी रिवीजन, फिर वापस स्टार्ट होना है, तो काफ़ी इसको भी कोई बहुत जल्दी सेटलमेंट इससे नहीं होता है, ठीक है। सो अभी रिसेंटली सेबी ने नए रेगुलेशंस निकाले एंड इसका एक छोटा सा बच्चा निकाल दिया विच इज़ कॉल्ड एज समरी सेटलमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अभी प्रोसीजर बहुत लंबा होता था, ठीक है। तो अल्टीमेट एम क्या था कि भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जो इतना टायरिंग काम होता है वो अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर सोचो हर एक कमेटी बार बार रिवाइज करने को बोल दे सेटलमेंट टर्म्स, तो आदमी तो पागल हो जाएगा, तब तक सेटलमेंट टर्म्स रिवाइज करें। तो उन्होंने एक उसका बच्चा फॉर्म निकाला विच इज समरी सेटलमेंट प्रोसीजर। समरी, समरी क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग बोलते किसी चीज़ को समराइज कर देना, मतलब शॉर्ट कर देना उस चीज़ को, ठीक है। बड़ा इतना लंबा चौड़ा कुछ प्रोसीजर फॉलो करने से बेटर है कि उस चीज़ को थोड़ा समराइज कर दो, ठीक है। सो समरी प्रोसीजर में क्या आया, ये प्रोसीजर अभी भी फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन समरी सेटलमेंट प्रोसीजर के हिसाब से बोर्ड ने नोटिस दिया, किसको देगा, एप्लीकेंट, ठीक है। क्यों दिया नोटिस, कि भाई इससे पहले हम कंप्लेन फाइल करें, यू डू वन थिंग, सेटलमेंट कर लो, ठीक है। अब एप्लीकेंट को 30 डेज में, आधा 60 था ऊपर, अब 30 डेज में उसने एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे पहले अपन लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या दे रहे थे, सेटलमेंट टर्म्स दे रहे थे, ये सब डिस्क्लोज कर रहे थे, ये यहाँ पे सेटलमेंट टर्म्स दे के भेजते हैं। नोटिस के साथ सेटलमेंट टर्म्स बोर्ड ऑलरेडी दे देगा, ठीक है, आपको बोलेगा कि आप 30 दिन में एप्लीकेशन फाइल कर दो और सेटलमेंट अमाउंट डिपॉजिट कर दो, बस आपने डिपॉजिट कर दिया, ऑर्डर पास हो गया, खत्म खत्म, प्रोसीजर यही खत्म, ठीक है। सो जो उतना वास्ट प्रोसीजर पहले हो रहा था उसको समराइज करने के लिए एक और प्रोसीजर आया जिसको हम लोग बोलते हैं समरी सेटलमेंट प्रोसीजर। इसमें क्या होता, सेम है, बोर्ड ने नोटिस देना है एप्लीकेंट को, वो नोटिस से एप्लीकेशन फाइल करनी है, पहले 60 डेज था, अभी 30 दिन में करनी है, ठीक है। अभी अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, एप्लीकेशन के साथ सेटलमेंट अमाउंट डिपॉजिट कर दो, ठीक है। आपने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, सेटलमेंट ऑर्डर से भी पास कर देगा और सेटलमेंट हो गया, अब आगे कोई प्रोसीजर नहीं है, समझ में आया, दिस इज समरी सेटलमेंट प्रोसीजर। तो एग्जाम में आपसे सेटलमेंट प्रोसीजर पूछ रहा कि समरी सेटलमेंट प्रोसीजर पूछ रहा, वो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। कोई ऐसा मत करना कि सेटलमेंट प्रोसीजर को समराइज करके समरी सेटलमेंट प्रोसीजर लिख दो, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, वो काफी लंबा प्रोसीजर है, उसका छोटू वर्जन इज समरी सेटलमेंट प्रोसीजर, ठीक है, कुछ नहीं है, एक्चुअली समराइज है, नोटिस भेजा, इन्होंने एप्लीकेशन दी, सेटलमेंट अमाउंट दिया, बात खत्म, ठीक है, मामला वहीं रफा दफा, ठीक, ये कॉपी कर लो।
हो गया, नोट्स पे आ जाए हम लोग। चलो पेज नंबर 131। अभी हम लोगों ने मीडिएशन एंड कंसिलिएशन स्किप करके सेटलमेंट स्टार्ट किया था, इसके बाद वील गो बैक टू मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। ठीक है, आ गए सब लोग 131। ठीक है, दिख रही हेडिंग सेटलमेंट, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स, कंसेंट ऑर्डर अंडर सेबी लॉस। ठीक है, आगे आ जाओ। कंसेंट ऑर्डर क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट। ओके, वन थिंग इंपॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने जो देखा था सेबी ने नोटिस भेजा था और हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी थी। दूसरा केस क्या होता कि हम खुद से भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब हम खुद से एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ये नोटिस वोटिस की बात आएगी क्या? कहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होगा? हमने एप्लीकेशन सेबी को दी, अब वापस प्रोसीजर आगे वैसे ही चलना है। ठीक है, सो जो नोटिस है, नोटिस के 60 दिन में जो हमें एप्लीकेशन देनी थी, यहाँ पे अमाउंट देना था, वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, वो उतना पार्ट हट जाएगा एंड बाकी हमने एप्लीकेशन सेबी को दी, कंसेंट टर्म्स सजेस्ट किए, वो इंटरनल कमेटी से हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी, वहाँ से होल टाइम मेंबर्स। ठीक है, सो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सेबी नोटिस दे रहा था, उससे हमें 60 डेज में एप्लीकेशन फाइल करनी थी। अभी कोई नोटिस नहीं आ रहा, हम खुद से सेटलमेंट की एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, सो सेटलमेंट की एप्लीकेशन डायरेक्टली सेबी, बस बीच का जो प्रोसीजर हम लोग देख रहे थे वो खत्म। ठीक है, वैसे एज सच कुछ भी स्पेसिफिकली दिया नहीं है, लेकिन इफ एट ऑल एग्जाम में घुमा के पूछते हैं तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ है कि ऑब्वियसली नोटिस वाला पॉइंट पूरा हट जाएगा वहां से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, लिमिटेशन ऑन एप्लीकेशन। लिमिटेशन ऑन एप्लीकेशन मतलब कब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि अगर ट्रिब्यूनल के पास आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कब फाइल कर सकते हैं? जब सेबी ने कंप्लेन फाइल नहीं करी थी, राइट? अगर कंप्लेन फाइल कर दी है मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो कंसेंट ऑर्डर फाइल नहीं होता। क्या होता है? कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, लेकिन कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन सेबी की कंप्लेन फाइल करने के पहले होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, सेबी ने कंप्लेन फाइल कर दी, क्या फाइल होगी? कंपाउंडिंग एप्लीकेशन। सेबी ने अभी कंप्लेन फाइल नहीं करी है तो हम क्या कर सकते हैं? कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज सबको? और ऑब्वियसली 60 डेज का नोटिस दिया था, 60 डेज में आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, भाड़ में जाओ, हम जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्कोप ऑफ सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स मार्क कर लो, अभी नहीं पढ़ेंगे, मार्क करो क्योंकि तुम लोग हमें रिमाइंड कराओगे वापस, सो मार्क कर लो। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अगेन सेम थिंग, नोटिस भेजा था 60 डेज में आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, हम आपसे कंटिन्यूसली बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन दो, आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं देने रेडी हो तो हम आपकी एप्लीकेशन पकड़ के बैठेंगे क्या? हटा देंगे। ठीक है, डिसमिस। नेक्स्ट, भाई हमने आपको बोला है कि सेटलमेंट टर्म्स रिवाइज करके दे दो, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप अप्रोच ही नहीं कर रहे हो ट्रिब्यूनल के पास, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ों में कोई प्लीज रटते मत बैठना, प्रैक्टिकली सोचना कि अगर आप वहाँ बैठे हो तो किसी की एप्लीकेशन पकड़ के बैठोगे क्या? है ना, वो कोई टीचर नहीं है कि आपको बार बार बोलेगा टेस्ट दो, है ना, वो क्या बोलेगा कि भाड़ में जाओ मत दो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस जिस दिन से आया, हमने एप्लीकेशन फाइल करी, ऑर्डर आया, ऑर्डर आने से पहले तक, ठीक है ध्यान से सुनना, ऑर्डर कौन दे रहा था? पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स। पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स ने अभी ऑर्डर दिया नहीं है तो आप पूरे प्रोसीजर के बीच में कभी भी अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, पूरा प्रोसीजर चल रहा है, कहाँ गया हमारा प्रोसीजर? ये प्रोसीजर पूरा एंड तक, ऑर्डर जब तक पास नहीं हो रहा, आप इस बीच में कभी भी अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। हमें नहीं करानी आपसे सेटलमेंट, हम वापस जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए चले जाएंगे, हम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, लेकिन हमें नहीं कराना सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर पास हो गया है तब आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डर पास होने तक और आपकी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, सेटलमेंट टर्म्स,
मॉनिटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनिटरी टर्म्स. नॉन मॉनिटरी टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे है. सस्पेंशन और सीजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. भाई हम इतने दिन तक अपने अपना बिजनेस नहीं चलाएंगे, ठीक है, हम माफ कर दो. या फिर और कोई देख लो, कैंसिल सिक्योरिटीज, इन सिक्योरिटीज में हम डील ही नहीं करेंगे, या अपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देंगे. ये सब क्या था, नॉन मॉनिटरी टर्म्स. तो उनके सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी रटना नहीं है, सिर्फ रीड करना, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में लिख देना, ठीक है. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज सुनो, ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना, वो एंड में एक बार रीड करके जरूर जाना, ठीक है. आप चार्ट देख के जाओगे वो ठीक है, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, वो एंड में रीड करके जाना. क्यों, अपने मन से लिख दोगे, गुड, लेकिन जब रीड करके जाओगे ना, तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स याद रह जाएंगे दिमाग में, जब एकदम एग्जाम में घुसने से पहले, ठीक है. एकदम एग्जाम में घुसने से पहले ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको रीड कर लेना, ठीक है. तो आप बाय चांस पेपर में इनमें से एक भी फंस गया ना, तो आपको वर्ड्स याद आ जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली लिख दोगे, तो आपको रटना भी नहीं पड़ा, प्लस आपको वर्ड्स जैसे कि तैसे याद आ जाएंगे, इफ एट ऑल आपने तीन चार रीडिंग लगाई थी, ठीक है. चलो ये भी हम लोगों को बाद में देखना है. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू अराइव एट द सेटलमेंट टर्म्स, इससे तो हम लोग प्रो गए हैं अभी. क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं भाई, दूसरे इंसान को लॉस कितना हुआ, आपकी वजह से प्रॉब्लम्स कितनी हुई, बाकी और कितनी चीज़ों पे अफेक्ट हुआ है, ये सब कंसिडर करके सेटलमेंट टर्म्स प्रपोज करोगे, तभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना कितनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेनी है इससे, ठीक है. तो कहीं भी फैक्टर ज़्यादा, सबसे पहले तो कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है. चलो हाँ, अब हमें देखना है कमिटीज का कॉम्पोजिशन, ये हम लोगों को रटना पड़ेगा. हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी के अंदर दो लोग हैं, एक है जुडिशियल मेंबर, एक है तीन एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स. जो कमिटी की हेडिंग लिखी है वहां पे ऐसे बना लो, एक जुडिशियल मेंबर और तीन एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, ठीक है. ये इसका कॉम्पोजिशन है. कॉम्पोजिशन मतलब समझता है सबको कि कमिटी के अंदर ये लोग होने चाहिए, ठीक है. सो वन जुडिशियल मेंबर एंड तीन एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, ठीक है. इन सबका टर्म ऑफ पीरियड इज 3 इयर्स, ठीक है, ठीक है. कोरम, कोरम मतलब क्या होता, एटलीस्ट 3 मेंबर्स मीटिंग के लिए होने चाहिए. जब तक ये 3 नहीं होंगे तब तक मीटिंग नहीं होगी. इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मेंबर्स मतलब वो 3 एक्सपर्ट्स नहीं, ऑब्वियसली ज्यूडिशियल मेंबर और वो 3 एक्सपर्ट्स को मिला के 3 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इंटरनल कमिटी. इंटरनल कमिटी का मेंबर जो होता है वो बोर्ड से ही निकला हुआ एक मेंबर होता है, ठीक है. सेबी के जो ऑफिसर्स होते हैं उसी में से वो एक किसी को उठा के इंटरनल कमिटी का हेड बना देते हैं, ठीक है. एंड इंटरनल कमिटी और हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी दोनों को बनाता कौन है, सेबी, ठीक है. दोनों का बनाने वाला सेबी ही है, ठीक. सो इंटरनल कमिटी का जो ऑफिसर है ये सेबी से उठ के ही आता है, ठीक है. हाई पावर्ड कमिटी में कौन कौन होगा, लेकिन जुडिशियल मेंबर या 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, ठीक है. ये हम लोग को रटना पड़ेगा. नेक्स्ट कम्स इज प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट. पूरा देख लिया हम लोग, प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंटरनल कमिटी, ठीक है, देख लिए. इंटरनल कमिटी एग्जामिन करेगी, इन्फॉर्मेशन मांगेगी, री एग्जामिन करवा सकती है, और आगे एप्लीकेशन हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी को फॉरवर्ड कर देगी. प्रोसीडिंग बिफोर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, सेम अगेन कवर कर लिया चार्ट से. एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग, एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी, मतलब हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी से जब एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती थी तो क्या 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 प्रोसीजर था, क्या प्रोसीजर था, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने एग्जामिन किया ये, या हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी ने क्या बोला कि जाके टर्म्स रिवाइज करो, ठीक है. सो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद, फॉरन चार्ट याद कर लेना, रिकमेंडेशन के बाद क्या होता था, पैनल ऑफ होल टाइम मेंबर्स, ठीक है. सो वो पूरा प्रोसीजर अगेन, ठीक. समरी सेटलमेंट प्रोसीजर हम लोगों ने कर लिया, सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी. सेटलमेंट विद कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कोई भी सेटलमेंट प्रोसीजर्स जब होते हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको इंश्योर करनी है. मतलब अगर इसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड करी है तो हम जाके सबको ये नहीं बता सकते दूसरी पार्टी को कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसने ऐसा किया था, ठीक है. और जब भी सेटलमेंट ऑर्डर निकलता है, सेटलमेंट ऑर्डर की एक कॉपी हम एप्लीकेंट को देंगे, दूसरी कॉपी बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश होती है, ठीक है. अब बोर्ड की वेबसाइट पर कोई चीज़ पब्लिश हो रही तो वो पब्लिक है ना, सब देख सकते, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना जरूरी है. लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब
आप कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे, लेकिन उन्होंने जो ऑफेंस किया है आप वो डिस्क्लोज कर सकते हो कि उन्होंने ये ऑफेंस किया था और उसके बदले में ये सेटलमेंट ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आप कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करोगे, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो दूसरी पार्टी किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। एंड जो भी सेटलमेंट का ऑर्डर आया है ये ऑर्डर कभी भी एविडेंस की तरह नहीं ले जाया जा सकता, क्यों? टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, अगेन समझ में आया। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोविजन सेम मीडिएशन एंड कंसिलिएशन में भी है, कोई भी जो सेटलमेंट कर रहा है उसके ऑर्डर्स कोर्ट में एडमिसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कराना जरूरी है, ठीक है। लोग कोर्ट वगैरह छोड़ के ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट्स पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में जो चीज़ वो बोलेंगे वो सब पब्लिक होगा, यहाँ पे वो जो बोलेंगे आपस में सब एडजस्ट होके सेटल होके मामला वहीं रफा सटा हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना उनका एथिकल प्रिंसिपल है, ठीक है। ये चीज़ उनको करना ज़रूरी है कि वो किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। देन सेटलमेंट ऑर्डर्स हम लोगों ने कर लिया, सेटलमेंट ऑर्डर्स हम लोगों ने कर लिया। स्टार्टिंग में सेटलमेंट ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस हुआ था, सेटलमेंट ऑर्डर्स में सेटलमेंट टर्म्स होनी चाहिए, उसके बाद उसमें फैक्ट्स वगैरह सब स्पेसिफाइड होने चाहिए। सेटलमेंट ऑर्डर इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ऑर्डर आने के बाद भी अगर ऐसा पता चलता है कि आपने कोई फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, ऑर्डर वहीं कैंसिल, ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स वापस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पूरा चार्ट याद रखना है आपको, पूरे प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद मीडिएशन।